देखिए, जिस प्रकार से बोचहां विधानसभा क्षेत्र में जी जो वोट हुआ उसके अनुसार ये 3 नंबर में चले गए जी, और एक गदावर नेता भी उनके साथ में थे जिनकी बेटी चुनाव लड़ रही थी, 9 बार विधायक रहे जी, और 20 वर्षों तक मंत्री रहने वाले आदरणीय रमई राम जी, उनका भी वोट का प्रभाव है। 29,000 जो वोट आया है उसमें उनका क्या? तो हमारे लालू यादव जी और राजद और तेजस्वी यादव जी ने उन लोगों को सम्मान देने का काम किया है, इसका उदाहरण है। सबसे पहले तो नीतीश कुमार उदाहरण है, बिहार के मुख्यमंत्री। जब 2014 में जब इनको हटा दिया गया था एनडीए से, और जब हट गए थे कहीं का नहीं थे, तब इनको यही लालू यादव और राजद ने इन्हें पनाह दिया था और महागठबंधन। मुकेश सहनी अखिलेश जायसवाल जिंदाबाद, अखिलेश जायसवाल जिंदाबाद, जिंदाबाद सहनी अखिलेश जायसवाल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद सहनी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद बीजेपी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद मुकेश सहनी जिंदाबाद, जिंदाबाद सहनी जिंदाबाद, जिंदाबाद सहनी जिंदाबाद, फोटो खींचो नमस्कार, न्यूज़ फॉर्मेशन देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ धीरज सिंह। बोचहां विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में आरजेडी की जीत हुई, जिसके बाद से कहा जा रहा है कि एनडीए में घमासान मचा हुआ है। कल मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने कहा है कि हार की बीजेपी और एनडीए में समीक्षा होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि आखिर क्या कारण है जो भूमिहार समेत अन्य जो जाति के वोटर हैं वो आरजेडी के तरफ शिफ्ट हो गया, इसकी समीक्षा होनी चाहिए। हमारे साथ हैं आरजेडी एमएलए अनिल सहनी जी। सर, सुशील मोदी के बयान को पहले आप कैसे देखते हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो भूमिहार वोटर हैं, जो अन्य कास्ट के जो वोटर हैं, वो आरजेडी की तरफ शिफ्ट हुए, इसी के कारण आरजेडी की जीत हुई है। देखिए, जहाँ तक सवाल है, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से बोचहां के मतदाता मालिकों, भाइयों बहनों को हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूँ। और जहाँ तक सुशील मोदी जी का सवाल है कि समीक्षा करना, तो समीक्षा क्या चीज़ का करेंगे, वहाँ A to Z के लोगों ने राजद को वोट दिया, जिसके कारण से अपार मतों से हमारा उम्मीदवार अमर पासवान जीते हैं, और यह बिहार के भविष्य मानवर तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में गोलबंद होकर लोगों ने वोट दिया है। और समीक्षा क्या करेंगे, उनको तो समीक्षा करना चाहिए महंगाई का, समीक्षा करना चाहिए बेरोजगारी का, किसान के समस्याओं का। ये सारी समस्या है जिस कारण से वोट जो है सो हम लोगों के साथ आया है, और आज अगर बिहार में चुनाव हो तो यही परिणाम आवेगा, और 2/3 बहुमत से हमारा जो है सो राजद का मानवर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। देखिए, एक सवाल है कि सर, हाल ही में एनडीए से अलग हुए जो मुकेश सहनी है, अपने आप को सनप मल्ला कहते हैं, वो पिछले दिनों लालू प्रसाद यादव से कहा जा रहा है कि मिलने के लिए आए थे, हालांकि मुलाकात नहीं हुई। उनको लेकर कहा जा रहा है कि वो महागठबंधन में शामिल होना चाहते हैं लेकिन सशर्त। पिछले दिनों भोला यादव ने कहा था कि बिना शर्त के शामिल होंगे तो उनका स्वागत है, आप भी मल्ला जाति से आते हैं, क्या लगता है उनको शामिल कराने से महागठबंधन को फायदा होगा? देखिए, जिस प्रकार से बोचहां विधानसभा क्षेत्र में जो वोट हुआ उसके अनुसार ये 3 नंबर में चले गए जी, और एक गदावर नेता भी उनके साथ में थे जिनकी बेटी चुनाव लड़ रही थी, 9 बार विधायक रहे जी, और 20 वर्षों तक
मंत्री रहने वाले आदरणीय रमई राम जी, उनका भी वोट का प्रभाव है। 29,000 जो वोट आया है उसमें उनका भी वोट है। तो ये तो अब अपना राजनीति कर रहे हैं, मगर हम लोगों का भी कहना है कि कोई भी दल में आप जाइएगा, चाहे उसके साथ आइएगा, चाहे उसमें शामिल होइएगा, तो बिना शर्त ही आना पड़ेगा। राजनीति में कोई शर्त नहीं होता है। समय पर आपको जो है सो सम्मानित किया जाएगा। और जहां तक ले सम्मान देने की बात है, तो जब जब भाजपा को ठगने के काम बड़े बड़े नेताओं को किया गया, तो हमारे लालू यादव जी और राजद और तेजस्वी यादव जी ने उन लोगों को सम्मान देने का काम किया है। इसका उदाहरण है, सबसे पहले तो नीतीश कुमार उदाहरण है, बिहार के मुख्यमंत्री। जब 2014 में जब इनको हटा दिया गया था एनडीए से, और जब हट गए थे कहीं का नहीं थे, तब इनको यही लालू यादव और राजद ने इन्हें पनाह दिया था, और महागठबंधन बनाकर ज्यादा सीट राजद को रहते हुए कम सीट वाला नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने के काम किया था। भले ही बाद में पलट गए, वही रामविलास पासवान जी, इनको भाजपा वाला जो है सो तीनों भाई को हरा दिया, मगर इनका राजनीतिक पनाह रामविलास पासवान जी को देने का काम अगर किया, तो राजद और लालू यादव ने इनको राज्यसभा भेजकर राजनीति को जिंदा किया है। तो मुकेश सहनी जी सारे बातों को समझते हैं, और इनको ठोकर लगा है, और ठोकर लगने के बाद अगर इनको बुद्धि बड़ा है कि शोषित उपेक्षित गरीब गुड़बा पिछड़ा अति पिछड़ा अल्पसंख्यक इन लोगों का जो मान और सम्मान और ए टू जेड का मान और सम्मान, स्वर्ण गरीबों का मान सम्मान, बेरोजगारों का मान सम्मान, किसानों का मान सम्मान, नौजवानों का मान सम्मान को ठेस पहुंचा है, तो आप मुकेश सहनी बिना शर्त, किसी प्रकार के शर्त नहीं रखते हुए, मुकेश सहनी आप मेरे छोटे भाई हैं, मैं आपसे अपील करूंगा कि आप बिना शर्त इस बेईमान सरकार को हटाने के लिए आप हमारे साथ आवे, और कोई शर्त न रखे। शर्त एक होना चाहिए कि केंद्र से और बिहार से इन बेईमान सरकार को उखाड़ने का, इस शर्त लेके आते हैं तो हम आपका स्वागत करते हैं। काफी सवाल है, लेकिन मुकेश सहनी तो कह रहे हैं कि जो बचा उपचुनाव में जो उनका वोट प्रतिशत आया, जो वोट आया है, वो मल्लाह जाति का है, उनके पार्टी का है, उनका है। आपको भी लोग ब्लड ऑफ मल्लाह उस चुनाव की जीत के बाद कहने लगे हैं, क्या लगता है कि उनकी कमी, उनके ना रहने से आरजेडी को खलेगी, अगर आने वाले समय में आते हैं तो फायदा होगा? देखिए, सवाल उठता है कि हम तो पहले भी आपसे कहे हैं, बोझा विधानसभा में 9 बार विधायक रहे आदरणीय रमई राम जी, और उनका वहां समाज का वोट जो है लगभग 35,000 वोट है रविदास का, तो उनका वोट क्या उनको नहीं पड़ा? जो बोल रहे हैं कि सब इन्हीं के करने से हो गया, वहीं पर एक उम्मीदवार आपको जो रमैया साहब जो 2020 में रमई राम के खिलाफ ही चुनाव लड़े थे, तो उनको जो है सो वोट आया था 4,500, इस बार वीआईपी को समर्थन कर रहे थे। तो मान लीजिए 20,000 वोट अगर रमई राम जी के नाम पर आया, और 5,000 वोट रमैया जी के नाम पर आया, तो 29,000 में तो 4,000 वोट इनके नाम पर मल्लाह दिया, जबकि मल्लाह का वोट है 65,000 बोचहा विधानसभा सीट में। तो हमारा ए टू जेड का समीकरण जो मानवर तेजस्वी यादव जी ने प्रस्तुत किया है, आज उसी का फल है कि वहां पर हम लोग भारी मतों से जीते हैं। और मैंने आपको बताया भी, मुकेश जी को अगर लगता है कि हमको ठोकर लगा है, चाहे उसके साथ धोखाधड़ी किया है, तो धोखा देने वाले के और जो है सो ठगने वाले लोगों को सबक सिखाना ही हमारे राजद के और हम लोगों का मूल नीति है, लालू यादव जी का। यही कारण है कि प्रताड़ित होते हुए भी ये भाजपा के साथ हाथ नहीं मिलाए, और जेल जाना मंजूर किए, मगर फिरका परस्त ताकतों के साथ हाथ मिलाना मंजूर नहीं किए। ये है आरजेडी एमएलए अनिल सहनी, दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन क्लब में।